दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी महिला के जज्बे की कहानी सुनाएंगे जिनकी मेहनत और लगन को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कोई भी काम छोटा नहीं होता। एक महिला होने के बावजूद भी पुरुष प्रधान काम को बहुत अच्छे से कर रही है और माँ के साथ साथ पिता की भी जिम्मेदारी को निभा रही है, और इनकी हिम्मत को देखकर रेलवे स्टेशन पर लाखों यात्री इंस्पायर होते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं आखिर यह महिला कुली कैसे बनी और कौन से रेलवे स्टेशन पर काम करती हैं। तो इनके बारे में सारी जानकारी जानते हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों इस महिला कुली का नाम मंजू यादव है और उन्होंने बताया कि कलाई पर बिल्ला नंबर 15 का बैच लगाकर सीन पर वजन उठाकर सीढ़ी पर चढ़ना, सीढ़ी से उतरना, ट्रॉली खींचना, कस्टमर का सामान लेकर गाड़ी में चढ़ाना और गाड़ी से सामान को उतारना काम बहुत मेहनत का है, लेकिन मेरे बच्चों के चेहरे पर एक मुस्कान के लिए करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि पिछले 10 सालों से जयपुर रेलवे स्टेशन पर कूली का काम करती हूँ। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, 5:30 बजे स्टेशन आ जाती हूँ, फिर कुछ टाइम काम करने के बाद फिर 9 बजे रूम पर चली जाती हूँ, फिर घर का सारा काम करने के बाद 11 बजे फिर वापस स्टेशन पर आ जाती हूँ, फिर 2 बजे कमरे पर चली जाती हूँ, फिर शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे तक स्टेशन पर ही रहती हूँ। मैं काफ़ी दिनों से काम कर रही हूँ जिसके वजह से मुझे सारी गाड़ियों की जानकारी है। मैं अनपढ़ हूँ लेकिन मेरा दिमाग अनपढ़ नहीं है। पति के मौत के बाद कमाई का जरिया कुछ भी नहीं था, जिसके बाद मजबूरी में कुली बनने का फैसला लिया। पति के खत्म होने के बाद पीने के पानी भी नहीं था, घर भी नहीं था। फिर मैंने सोचा महिला जो मटके उठाकर पानी भरती है वो भी वजन का ही काम हुआ, और वही काम कुली का भी है। फिर मैंने कुली बनने का फैसला लिया। जैसे कुली का काम करने रेलवे स्टेशन पहुंची, मैंने देखा कि यहाँ पर कोई ट्रॉली खींच रहा है, कोई 2 बैग कंधे पर रखकर और 2 बैग सिर पर रखकर कर जा रहा है। मुझे लगा कि यह काम आसान है, बचपन से ही वजन उठाने का काम करती आ रही हूँ। फिर बिना सोचे समझे कुली बन गई और काम शुरू कर दिया। मेरी 2 बेटी और 1 बेटा है। रात को काम से आने के बाद उनका चेहरा देखकर मेरी थकान भी गायब हो जाती है। मेरे पति भी कुली का काम करते थे जिसके वजह से मैं भी उनकी जगह पर काम करने लगी। महिला कुली होने की वजह से मुझे काफ़ी जगहों से अवार्ड भी मिला है। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि औरत हिम्मत दिखाए और महिलाओं का नाम आगे बढ़ाए। इनके जज्बे और हिम्मत के बारे में आपका क्या राय है कॉमेंट में ज़रूर बताना, और क्या इस महिला कुली के बारे में आपको पहले से मालूम था कॉमेंट में यस या नो लिखकर जरूर बताना।